हाय एवरीवन, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं DNF ब्लॉक का अगला लेक्चर। लास्ट वाले लेक्चर में हमने सारी रिएक्शंस देख ली थी, सब कुछ देख लिया था। पेपर उसके अंदर से ही आएगा, डी ब्लॉक का अगर आएगा तो बाहर से तो नहीं आएगा, बराबर है। यस, अब क्या है, अब अगला लेक्चर जो हमारा था ये लास्ट लेक्चर है लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स का, है ना। अब बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना, कोई सरदर्दी वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना असल में कहा है आपको पता है, अभी मैं आऊंगा उस पर आऊंगा, पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या है ना, हम लोग डी ब्लॉक के अंदर ही है। मैंने स्टार्टिंग वाला लेक्चर आपको याद होगा, जो मैंने बेसिक का लेक्चर ले रखा है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेंथेनॉइड्स कह रहे हैं, हाँ है ना, ये सब बातें आपको बताई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम से जाना जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इनर ट्रांजिशन, असल में ना डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर के होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यस, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन एफ सबशेल्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे सिंपल बात है, जिस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो एफ के अंदर आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर आ रहा है तो उसे हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। मान लो जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आखिरी में आ रहा है 1s1, तो ये s में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन s ब्लॉक का है। उसी प्रकार से द एलिमेंट्स इन विच ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन एफ सबशेल और एफ ब्लॉक एलिमेंट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। सेकेंड कह रहा है द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनॉइड्स, एक होती है एक्टिनॉइड्स। आप लोगों को पता है ये बात, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अभी आऊंगा मैं, भी दिखाऊंगा अभी आपको, है ना। जो एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये आपको याद होना चाहिए, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2, एफ 1 से लेकर 14, n-1, डी 0 से लेकर 1, ns2, एस n-1, एन एस पे क्या है एन, उसके बाद n-1 और उसके बाद क्या है n-2, f 1 से लेकर 14, बराबर है। यस, अब क्या है, लेंथेनॉइड जो बिलोंग करते हैं, यहां पे n है क्या, n पीरियड है, n क्या है पीरियड है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं, n मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो लेंथेनॉइड्स के लिए ना जो n की वैल्यू होती है वो 6 होती है, तो अगर s 6 हो गया तो 6s2, और यहाँ 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, डी 0 से लेकर 1, और n माइनस 2, 6 माइनस 2 4, f 1 से लेकर 14, तो ये हमारे किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, लेंथेनॉइड्स की, किसकी हो गई लेंथेनॉइड्स की। अब इसी प्रकार से जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं 7th पीरियड से, तो जो उनके लिए एन की वैल्यू होगी वो एन की वैल्यू क्या होगी 7, तो ये क्या आ जाएगा 7s2, 7-1 6, डी 0 से 1 5, एफ 1 से लेकर 14, ये हो गया हमारे किसके लिए, एक्टिनॉइड्स के लिए, बराबर है, हाँ है ना। यस, तो इसको फटाफट से एक बार नोट कर लो, है ना, जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा, शाबाश। ओके, ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं कि है क्या। देखो यार, मैंने पीरियोडिक टेबल आप लोगों को स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बता रखी, आप लोगों को पता है कौन एलिमेंट किसके नीचे आता है, हम लोगों को पता है यहाँ पे हमारे पास क्या है। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, बहुत सिंपल है एफ ब्लॉक, कोई सरदर्दी नहीं पालनी है, बहुत आसान है बच्चा, है ना। वीडियो ऑन कर दिया मैंने, यस यस, तो आपको ये बात पता है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंथेनियम होता है, 50 लेंथेनियम होता है, पता नहीं लेंथेनियम होता है हमारे पास, लेंथेनियम होता है, देखो 57 हमारे पास क्या होता है लेंथेनियम, तो आपको पता है यहाँ पे होता है लेंथेनियम, लेंथेनियम का होता है 57, ऐसे होता है ना हमारे पास। देखो अगर मैं बोलूँ यट्रियम, जिरकोनियम, सॉरी जिरकोनियम कह रहा हूँ, इधर हो गया यट्रियम, स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनियम, और इसके नीचे आता है एक्टियम, इसके नीचे क्या आता है एक्टियम, बराबर है। यस, अगर मैं लेंथियम तक की बात करूं, इसका एटॉम, ये डी ब्लॉक है, ये ग्रुप नंबर कौन सा है 3 है, ये कौन सा है ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21, ये होता है 39, ये होता है 57, यही होता है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है। बेटा एक बार ना अपना जो अपने फ्रंट पेज पे वो चिपका रखा होगा, है ना, वो एक बार खोल लो,
और ये पीरियड नंबर 6। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पीरियड नंबर 6। और पीरियड नंबर 7 में कौन आता है, एक्टियम आता है, ये आता है 89, पीरियड नंबर 7, ठीक है, पीरियड नंबर 7, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये डी ब्लॉक है। अब स्कैंडियम के बाद जो एटॉमिक नंबर आता है ग्रुप नंबर 4, ये कौन आता है, ग्रुप नंबर 4 यहाँ पे कौन आता है, स्कैंडियम के बाद स्कैंडियम टाइटेनियम 22, यूट्रियम के बाद आता है जिरकोनियम, जिरकोनियम 40, लेंथेनियम के बाद जो यहाँ पे आना चाहिए था पीरियड टेबल के अंदर, लेंथेनियम के बाद यहाँ पे 58 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 58, पर 58 आता नहीं है हमारे पास, क्या नहीं आता, 58 नहीं आता, 58 होता है सीरियम का, 58 सीरियम 58 हमारे पास यहां नहीं आता, 58 क्या होता है, हम नीचे रखते हैं हम अपने पास, 58 से लेकर हमारे पास यहां पे आता है ल्यूटेटियम, LU ल्यूटेटियम 58 से लेकर कितना होता है, 58 से लेकर ये हो गया 58, 57 हो गया, ये हो गया 71, 8 9 10 11, ठीक है 71 हो गया, ये बराबर है। तो 58 से लेकर 71 तक हमारे पास यहां पे आते हैं, यहां पे 14 एलिमेंट आते हैं, कितने आते हैं 14, यहां से लेकर कितने आते हैं 14 आते हैं। अब लेंथेनियम के बाद जो यहां पे आता है वो आता है हमारे पास हॉफनियम HF, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 72, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 72। तो यहां पे जो ये 14 एलिमेंट गायब है, यहां पे जो ये 14 एलिमेंट गायब है 58 से लेकर ये, इन्हीं को हमने क्या बोला है, ये सीरीज हमने निकाली है, और ये लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट गायब है इसलिए हमने इनको बोला लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स बराबर है, लेंथेनॉइड्स बोला है, हाँ है ना, और इसीलिए हमने क्या बोला ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, छठे पीरियड से, देखो छठे पीरियड से, हमने छठे पीरियड से निकाला ना इनको, तो ये पीरियड नंबर क्या है इनके लिए 6, पीरियड नंबर 6। अच्छा अगर कोई तुमसे बोले इनके लिए ग्रुप कौन सा है, तो बेटा यार चौथे ग्रुप में तो हॉफनियम है 72, तीसरे ग्रुप में लेंथेनियम है 57, इनके लिए कौन सा ग्रुप बोलोगे, तो इनका हम ग्रुप नंबर ना 3 में रखते हैं, ये सारे लेंथेनियम के बाद के 14 एलिमेंट है इनको हम ग्रुप नंबर 3 में रखते हैं, तो इनके लिए ग्रुप नंबर बोला जाता है 3। इनका जो ग्रुप नंबर है उसे हम बोलते हैं 3, ग्रुप नंबर इनका कौन सा वाला लिया जाता है 3 वाला, बराबर है, कोई डाउट नहीं। तो ये लेंथेनॉइड्स हो गए। अब ऐसे हमने एक्टिनॉइड्स के लिए भी निकाल रखे, ऐसे हमने क्या निकाल रखे, एक्टेनियम के लिए भी निकाल रखे, बराबर है ना, अरे हाँ है ना, असल में एक्टेनियम के बाद यहाँ पे आता है कौन, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, कितना होना चाहिए था 90 होना चाहिए था 89 के बाद, पर नहीं, इसका होता है 104, यहां से भी 14 एलिमेंट गायब है बच्चा, यहां से भी क्या है 14 एलिमेंट गायब है, तो जो यहां के जो 14 एलिमेंट गायब है उनको हमने नीचे रखा है, कहां से लेकर कहां तक, हमने रखा है कहां से लेकर, थोरियम से लेकर, थोरियम वो देखा है, थॉर देखा है, थॉर बिजली का देवता, हाँ थॉर है ना, थोरियम, थोरियम तुम्हें क्या लगता है थॉर नाम कहां से रखा होगा, मुझे तो थॉर, थोरियम, थोरियम से ही रखा है, थॉर, थॉर है ना, थोरियम। एक मिनट, तुमने देखिए मेरे मार्वल देखिए बहुत टाइम हो गया, तो मेरे ख्याल से जो उसके हथौड़े का, जो उसका हथौड़ा है, क्या वो थोरियम एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब जो मूवीज में दिखाया हुआ है, मेरा ख्याल है कि शायद हाँ, एक मिनट पक्का, लेकिन थोरियम तो रेडियो एक्टिव है, तो फिर उससे तो डीके निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, उसका हथौड़ा तो इतने सालों में फिर खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसका भी तो हाफ लाइफ डीके होगा, ठीक है पता नहीं, मूवीज है, नहीं नहीं एक बार मैं भी क्रॉस चेक करूंगा, थोरियम एलिमेंट्स, अरे मतलब जो उन्होंने मूवीज में बताया है, तो इसके बाद आता है थोरियम, पता भी है थोर है कौन, थोर, अब तुम जानती हो थोर है कौन, जानते हो थोर है कौन, जानते हो बबुआ, देखो थॉर भैया, डोरेमोन जानते हैं, डोरेमोन कौन है, सिंचन कौन है, थॉर की बात चल रही है यहाँ पे, नहीं डोरेमोन, देखो सुनियो इधर देखो, तो थॉर, और ये क्या हो गया यहाँ पे, थॉर से आता है कहाँ से, ल्यूट लॉरेंसियम तक, LR लॉरेंसियम, लॉरेंसियम का होता है 103, और इसको हम कौन से पीरियड में रखते हैं बेटा, इसको हम रखते हैं पीरियड नंबर 7 में, पीरियड नंबर 7 में, और ये ग्रुप कौन सा आ जाएगा, इसका ग्रुप आ जाएगा 3, बराबर है, यस 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 यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास जो एफ ब्लॉक है, हमने एफ ब्लॉक कहां से निकाला है, पीरियड नंबर 6 में 58 से लेकर 71 तक हमने 14 एलिमेंट निकाले, यहां पे कितने हैं 14 एलिमेंट है,
14 एलिमेंट है टोटल, और इसमें भी 14 एलिमेंट है यहां से लेकर थोरियम से लेकर, थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 90 से लेकर 103, ये हमारे एवलॉक एलिमेंट है, बराबर है। अब इसमें पता है क्या, अब मैं जो आगे प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा उसमें मैं कहूंगा कि जिरकोनियम जो है ना वो हॉफनियम की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है। देखो दो रीजन है, जिरकोनियम जो है हॉफनियम की तरह प्रॉपर्टी दिखाता है, तो जिरकोनियम का हॉफनियम की तरह प्रॉपर्टी दिखाने का रीजन ही ये है। असल में तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है यहीं से 14 एलिमेंट क्यों निकाले, क्योंकि जिरकोनियम की प्रॉपर्टी हॉफनियम से मैच कर रही होगी और अगले सबकी भी प्रॉपर्टी मैच कर रही होगी। यस यस, तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं जिरकोनियम की कुछ प्रॉपर्टीज हॉफनियम से मैच कर जाती है बचुआ, और जब मैच करती है रीजन क्या है, इसके दो रीजन तरीके से समझा सकता हूं। एक रीजन सिंपल तुम ये कह सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करने का एक रीजन यह है कि भैया यहां पे ना एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहां पे 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एफ ब्लॉक का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत पुअर होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा। अब बाहर यहां पे अगर एफ में इलेक्ट्रॉन है, कहां पे है एफ में, और बाहर कोई शेल में इलेक्ट्रॉन है मान लो एसपीडी में, तो ये न्यूक्लियस इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी आपस में क्या कर जाती है मैच, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन का रीजन क्या है, एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, क्या होता है पुअर, बराबर है। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब मैं लेंथेनॉइड्स पे आता हूं, मैंने बता दिया लेंथेनॉइड्स किन्हें बोलते हैं, इन्हें लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, बराबर है। यस यस, नोट कर लो बेटा, शाबाश। तो बेटा अब अगला जो हमारे पास यहां पॉइंट है क्या ना यार, पूरा थ्योरेटिकल लिखना सारा, लिखने में समय बर्बाद हो जाएगा। देखो मैं कहना चाह रहा हूं पूरा लेंथेनॉइड पूरा एक्टिनॉइड पूरा लिखना ही लिखना है साला यार, है ना, बस देखो। और अगर ना मैं बोलूँ ना सिंपल तौर पे, तुम्हें सारा आता है, सारा तुम्हें ऑलरेडी पता है, मतलब एक आधी चीजें हैं जो तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है। देखो कैसे, लेंथेनॉइड्स क्या है, अब मैंने बता दिया था लेंथेनॉइड्स क्या है, लेंथेनॉइड्स 58 से लेकर 71 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स कह रहे हैं, एफ ब्लॉक का जो पहला पीरियड है। द सीरीज इन्वॉल्व्स द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल फॉलोइंग लेंथेनॉइड्स कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड के बाद, लेंथेनियम के बाद, जैसे लेंथेनम कहते हैं एलिमेंट को, लेंथेनम के बाद जो सीरीज आती है, जो 14 एलिमेंट की सीरीज है, उसे हम लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, बराबर है, हाँ है ना, यस। और 4f ऑर्बिटल में भरा जाएगा, f का कौन सा आएगा, 4f, अभी पिछले पन्ने पे बताया था ना, यस। देयर आर 14 एलिमेंट्स विच बिलोंग टू लेंथेनॉइड, सही बात है, 14 एलिमेंट होते हैं जो लेंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग करते हैं, मैंने बता दिया, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम। क्या नाम याद करना है भैया, जरूरत नहीं है, बराबर है, यस। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन का ना जो चर्चा है, लेंथेनॉइड, पानी पी लूं मैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की जो चर्चा है ना वो स्टार्टिंग में भी चली थी, जब हम पढ़ने जा रहे थे हम, क्या जब एटॉमिक साइज पढ़ रहे थे, एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे थे, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन का चर्चा वहां भी चली थी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, लेंथेनॉइड्स क्या ना एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन के, अभी सेम अगला एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रेक्शन भी आएगा। होता क्या, एफ ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, अब जो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, एफ ब्लॉक का साला एफ ऑर्बिटल का क्या है ना, शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, जो एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, शील्डिंग इफेक्ट, अरे तुम्हें पता भी है शील्डिंग इफेक्ट कहते किसे, निकम्मो, ये न्यूक्लियस है, अब यहां मान लो कोई शेल है, मान लो एस है, और बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है शेल में, अब S का जो शील्डिंग इफेक्ट वो हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, गुड होता है बहुत एकदम, तो ये इसको रिपेल करेगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, बराबर है, यस। तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, अब इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो साइज ओवरऑल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ना एस का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, वो रिपेल करेगा। अब यहीं पे अगर पी होता, पी का शेप डंबल शेप होता है, पी भी रिपेल करता, पी का शील्डिंग इफेक्ट भी अच्छा होता है, पी भी रिपेल करेगा, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और साला अगर अट्रैक्ट नहीं कर पाया ना तो वो दूर भग जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा एटम का। जो डी का है, डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर, यानी डी का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाएगा, तो ये उसको थोड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, साइज थोड़ा छोटा। एफ का शील्डिंग इफेक्ट और पुअर होता है,
तो ये क्या होता है ना, एफ के अंदर तो क्या होता है, एफ के अंदर तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को और रिपेल करता है, और जब और रिपेल करता है, सॉरी रिपेल नहीं कर पाता है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी तरफ खींचता है और साइज ओवरऑल घट जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स का आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना। एफ और डी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और अट्रैक्शन लगा देता है, बराबर है? यस। इसी कारण क्या होता है, जो 14 एलिमेंट्स होते हैं, चाहे लैंथेनियम के अंदर हो, लैंथेनॉइड्स के अंदर हो, चाहे एक्टिनॉइड्स के अंदर हो, चाहे लैंथेनॉइड्स के अंदर हो, चाहे एक्टिनॉइड्स के अंदर हो, उनका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एफ में आएगा, और एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जिस वजह से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, चाहे वो 5d के हैं या वो 6s के हैं, उनको वो अपनी तरफ खींच लेगा और साइज थोड़ा कंपैटिबली छोटा हो जाता है। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई डिक्रीजेस। अलॉन्ग द पीरियड की बात चल रही है, अलॉन्ग द पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, घटता है अलॉन्ग द पीरियड में। यस, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर, बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, लेकिन जो साइज घटता है वो बहुत कम होता है। लैंथेनॉइड्स का साइज लगभग लगभग सेम होता है साला, लगभग लगभग सेम होता है साइज, हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है? यस, बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लैंथेनॉइड्स व्हिच विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर है? यस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f के इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या क्या फर्क पड़ता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, पहला पॉइंट, इट लीड्स टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग लैंथेनॉइड्स। अब पता है क्या सीन क्या है, लैंथेनॉइड्स जो होते हैं ना, ये जो लैंथेनॉइड्स अपना सीरियम से लेकर ल्यूटेनियम तक, इनका ना केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होती है, इनका साइज एटॉमिक साइज लगभग लगभग सेम होता है। उदाहरण के तौर पे, अब मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज क्या छोटा है, हाइड्रोजन का साइज क्या छोटा है। अब मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ से सोडियम आ गया, सोडियम का साइज लगभग लगभग थोड़ा बड़ा है सोडियम का साइज, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो लैंथेनॉइड्स हैं एक सीरीज में तो आ ही रहे हैं, इनके साइज में बहुत कम का अंतर है, बहुत कम का। जैसे देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक ही पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड में, लेकिन इनके साइज में अंतर है, पर जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके साइज में इतना डिफरेंस नहीं है। तो पता क्या है, कभी कभी वो मिक्स हो जाए ना, तो उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही चीजें होती है जिनका एलॉय बनाया जाता है, एलॉय हमेशा उस चीज का बनाया जाता है जो मिक्सअप हो जाए, पता ना चले भैंस के रंग कौन क्या है। उदाहरण के तौर पे, अगर आटे के अंदर चीनी मिलाओगे तो पता लगेगा कि आटा ये है, चीनी ये है, पर आटे के अंदर नमक मिलाओगे तो पता मुश्किल से चलता है कि आटा कहाँ है, नमक कहाँ है, आटा कहाँ है, नमक कहाँ है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जिनका साइज सेम होता है उनका हम एलॉय बना सकते हैं, जिनका साइज क्या है सेम है तो उनका हम एलॉय बना सकते हैं। तो इनके हम आगे बताऊंगा मैं अभी आपको कि एलॉय भी बनाते हैं इनके। इट लीड्स टू द सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अमंग लैंथेनॉइड्स। जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। मैंने बोला जिरकोनियम हॉफनियम, बड़ा फेमस सवाल है भाई एग्जाम का, बड़ा फेमस, जिरकोनियम और हॉफनियम का एटॉमिक साइज लगभग लगभग सेम होता है, बराबर है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है सेम। सवाल यहीं कहीं से आएगा, देख लेना, बराबर है। बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स। साइज लगभग लगभग सेम है तो अगर वो मिक्सअप हो जाए तो उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? नोट कर लो बेटा फटाफट से इसको, शाबाश। तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लैंथेनॉइड्स की, कि लैंथेनॉइड्स क्या क्या प्रॉपर्टियां दिखाता है, जिसमें से हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, पूरा एकदम मैं तो पहले ही बोला था, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बिल्कुल लिखना 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 है ना, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम थ्योरी है। और ये थ्योरी आपको क्या करनी है, सीधा याद करनी है, एग्जाम में सीधा छपके आएगी। एक मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3। लैंथेनॉइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। पिछले एक दो साल पहले का सवाल है, लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अब बताओ सवाल क्या है, +3, +4, +2, +5, बोलो क्या है, +3 है, पहला ऑप्शन सही है, हाँ है ना, खत्म। तो लैंथेनॉइड्स की +3 ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3, बट सम शोज +2 and +4, कुछ +2 भी दिखाते हैं और कुछ +4 भी दिखाते हैं, बराबर है? यस यस। अब यहाँ पे क्या है, अगला सवाल हमारे, अगला हमारे पास क्या, लैंथेनॉइड्स का जो प्रॉपर्टी है वो ये है, लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल्स। कैसे दिखने में कैसे होते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, है ना। जो एक्टिनॉइड्स होंगे ना, एक्टिनॉइड्स में मैं यही लिखवाऊंगा कि उनका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्वरी वाइट होता है, बराबर है, सेम होता है।
लेंथेनॉइड्स आर हार्ड इन नेचर. नेचर में कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. नेचर में कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं ना, प्रकृति इनकी हार्ड होती है, कठोर होती है. ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये मैंने आपको बता दिया था कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर आते हैं और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. बराबर है, तो ये क्या होगा? इनर. दे आर मेलिएबल. अब भाई ये क्या है? मेटल्स है. अब मेटल्स है तो मेटल है तो मेलिएबल भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे, सोनोरस भी होंगे, हार्ड भी होंगे, सॉलिड भी होंगे, और वो जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हैं, कंडक्टर भी होंगे, गुड हाँ है ना, वो सारी बात है. मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा. तो दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लस्टरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है? यस. अगली प्रॉपर्टी है लेंथेनॉइड शोज कलर. देखो जैसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे हमारे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर दिखा रहे थे डीडी ट्रांजिशन की वजह से. हालांकि मैंने अभी आपको डीडी ट्रांजिशन नहीं समझाया है, वो मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर समझाऊंगा कि डीडी ट्रांजिशन है क्या. लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कलर शो करते हैं. बस बहरहाल शर्त यह है कि उनके एफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर है, अनपेयर्ड होना चाहिए. बराबर है, यस. तो लेंथेनॉइड शोज कलर इन एक्वस एंड सॉलिड स्टेट. याद रखना, असल में ये प्लस 3 स्टेट में दिखाते हैं लेंथेनॉइड्स का ना, प्लस जो 3 होती है इनकी स्टेट. शोज कलर इन एक्वस एंड सॉलिड स्टेट. एफ ब्लॉक एलिमेंट शोज कलर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल. और एफ 0 और एफ 14, अगर एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हुआ नहीं, और अगर अनपेयर्ड नहीं हुआ तो वो कलर नहीं दिखाएगा. क्लियर है? यस. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लेंथेनॉइड्स की, जहां से आपसे डायरेक्ट सवाल आ सकता है. बराबर है, यस. अगला क्या है? यूजेस. लेंथेनॉइड्स के यूज भी होते हैं भैया. क्या क्या यूज होते हैं? बहुत यूज होते हैं लेंथेनॉइड्स के यार. कैसे की? जैसे कि एलॉय ऑफ लेंथेनॉइड लाइक मिश मेटल. एक एलॉय होता है लेंथेनॉइड का, इसको कहते हैं मिश मेटल. आपने वो देखिए जेल की सलाखें होती हैं, अरे जिनको साउथ इंडियन हीरो ऐसे करके खोल के बाहर आ जाते हैं ना, वो वाली सलाखें है ना. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बुलेट्स हो गई, बुलेट गोली चला दूंगा. तो जो ये होती हैं, इनको हम लोग बनाते हैं किससे? इनको हम लोग बनाते हैं किससे? लेंथेनॉइड्स से. तो एलॉयज ऑफ लेंथेनॉइड्स लाइक मिश मेटल्स आर मेड अप ऑफ लेंथेनॉइड्स. बराबर है, यस. लेंथेनॉइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग. पेट्रोलियम क्रैकिंग समझते हो? आप लोगों ने आठवीं क्लास में चैप्टर पढ़ा है, आठवीं क्लास में फिफ्थ चैप्टर होता था कोल एंड पेट्रोलियम, तो वहां पे पेट्रोलियम क्रैकिंग समझते थे हम लोग, है ना. हालांकि खैर इतना नहीं था, लेकिन इतना डीप नहीं था, लेकिन ना वहाँ पे पेट्रोल के ना, अब इनमें क्या होता है, रिफाइनिंग होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मदद करता है कौन? लेंथेनॉइड एलिमेंट. अगला है ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड. अब एक शब्द आपने कहाँ सुना है? फ्लोरोसेंट. फ्लोरोसेंट शब्द मैं बताता हूँ वो कहाँ सुना है आपने. फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपने सुन रखी है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर. अभी खैर फिजिक्स में भी सुनोगे आप, जब चैप्टर आएगा हमारे पास एटम, तो वहां पे आपने सुन रखा है क्या कि जो ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है, क्या होती है? जब जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ता है वो शाइन करे, जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े वो शाइन करे. तो ये क्या होता है? लेंथेनॉइड्स जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के लिए भी काम आते हैं. जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाता है. जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, याद करो, उसमें जो था, जो जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन लगाई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ता था तो वो शाइन करता था, टप एक बिंदु जलती थी, जब वैसे ही करके. इनका जो ना लेंथेनॉइड्स के होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये भी फ्लोरोसेंट होते हैं. इन पर भी जब कोई इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ी तो शाइन करते हैं. एज अ टेलीविजन में इन्हीं का इस्तेमाल होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का ही. तुम सोचो ना ऐसे कैसे यार, बटन दबाते ही, लाइट दबाते ही टीवी में आ गई नागिन, आ गई बिग बॉस, आ गया तुम्हारा बिग बॉस, आ गया डोरेमोन, आ गया तुम्हारा, है ना. वो कैसे आ रहा है? वो ऐसे ही आ रहा है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ रही है और शाइन कर रहा है ना. यस. बाकी तो सिग्नल का काम है. बराबर है, यस यस. तो ये प्रॉपर्टीज हो गए, ये क्या हो गए? यूजेस हो गए. बराबर है. अब मैं यहाँ पे ना एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को कि ना लेंथेनॉइड्स की कुछ रिएक्शंस है. वीडियो चल रहा है ना बेटा? यस. तो लेंथेनॉइड्स के ना कुछ रिएक्शंस हैं, छोटंगी सी है ना. देखो
हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड्स की, देखो जो लेंथेनिया लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं, लेंथेनॉइड्स मैं सबको एलएन से दिखा रहा हूं, है ना। मैंने क्या बताया, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इनका, +3। ठीक है, +3 का मतलब ऐसे मान के चलो कि लेंथेनॉइड है, उनकी वैलेंसी है 3, मान के चलो। अब इनकी रिएक्शन किसी के भी साथ करा दो, तुम इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कैची मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, याद नहीं करना है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कैची मल्टीप्लाई से LN2O3। तो अगर तुम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बनाएगा LN2O3। ठीक है, अगर मान लो यहां पे नाइट्रोजन लिखाओ, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 3 से 3 कट गया, कितना आएगा 1। अगर इसको तुम हीट करो नाइट्रोजन के साथ, हीटेड विद नाइट्रोजन, हीटेड विद नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा, 1 1 LnN LnN2n। याद नहीं करना है बच्चा एक भी, आपको खुद आता है ये सारा। अगर मान लो इसको पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, पानी के साथ, अब पानी टूट जाता है H+ में और OH- में, LN के ऊपर वैसे ही प्लस का 3 है, तो ये OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो OH के आयन कितने होते हैं, 1। कैची मल्टीप्लाई से क्या बना, LnOH का होल थ्राइस प्लस H+, साथ में क्या निकलेगा H+ ना, H2O का OH तो इसके साथ चला गया, साथ में क्या बनेगा H+। H+ की जगह तुम H2 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो इसको तुमने रिएक्ट करवाया किसी एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ मान लो तुमने इसको रिएक्ट करवाया, एसिड एग्जांपल भी लेते हैं, चलो मान लो तुमने रिएक्ट करा दिया H2SO4 के साथ, H2SO4। अब H2SO4 क्या है, LN हो गया, यहां पे क्या आ गया, SO4 2- में टूटता है, तो SO4 के आयन कितने हो गए, 2। SO4 2-, तो ये क्या बन गया, 2 इधर 3 इधर, तो ये क्या जाएगा, LN2 SO4 का होल थ्राइस, यही तो आएगा। अब अगर H और साथ में क्या निकलेगा, H2 हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी ना, यस। अब इसको मान लो आपने रिएक्ट करा दिया किसी के भी साथ, करा दो किसी के भी साथ, इसको रिएक्ट करा दो किसी के भी साथ, इसको क्या करा दो, रिएक्ट करा दो। जैसे कि और क्या हो गया हमारे पास, मान लो हेलोजन है, हेलोजन है, एक्स हो गया। अब हेलोजन क्या है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सबका क्या होता है, ये लेंथेनिया हो गया इनका 3, हेलोजन का क्या हो जाता है वैलेंसी 1, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबकी वैलेंसी 1 होती है, तो कैची मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, LnX, खत्म। और अगर कोई रह रहा है तो देखो कुछ भी करा दो, सल्फर के साथ करा दो यार, सल्फर के साथ करा दो, सल्फर के साथ LN, सल्फर की 2 होती है, 2 कैची मल्टीप्लाई से जाएगा H3, LnS3। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी NCERT ने चार्ट बना रखा है पूरा, आप NCERT निकालोगे, NCERT में ही चार्ट बना हुआ है पूरा, NCERT का चार्ट बना लो, जो आपको कमी लगे NCERT के अंदर वो इसमें ऐड कर दो, वो इससे ऐड कर दो, जो और जो NCERT जिसमें कमियां उसे NCERT से ऐड करो, मैं ये कहूंगा, है ना, बराबर है। तो बेटा याद नहीं करना कि कौन क्या प्रोडक्ट बना रहा है, आपको ये पता होना चाहिए लेंथेनॉइड जो होते हैं वो ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो +3 के हिसाब से रिएक्शन करवा दो, बराबर है, यस। नोट कर लो बेटा, एक्टिनियम कर रहे हैं, आसान है, बहुत आसान है एक्टिनियम। तो गाइस अब हमारे पास है यहां पे कौन, एक्टिनॉइड्स, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या है हमारे पास, एक्टिनॉइड्स द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स के अंदर हम 4F के अंदर भरते हैं और एक्टिनॉइड्स में हम लोग 5F के अंदर भरते हैं, 5F के अंदर। तो बेटा द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंशियम बिलोंग्स टू एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक हम 5F के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं और जिस कारण क्या होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, बराबर है, यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले भी लिखवा चुका था, अब दोबारा लिखवा दिया मैंने कि क्या 5F 1 से लेकर 14, 6D 0 से लेकर 1 एंड 7S 0 से लेकर 2, ठीक है, यस।
प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यार प्रॉपर्टीज ना लगभग लगभग सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसका भी है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस दिखाता है, वो भी सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस दिखाता है, इसमें भी रेडियो एक्टिव है, उसमें भी रेडियो एक्टिव है, और क्या है, ये भी डेंस है, वो भी डेंस है, ये भी अलॉय बनाता है, वो भी अलॉय बनाता है, बराबर है, यस, प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम है, दे हैव सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस एज आई टोल्ड यू, दे आर हाईली डेंस मेटल, बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंस होता है, उनके कंपेरिजन में ज्यादा डेंस होते हैं, दे फॉर्म एलॉय, इनसे एलॉय बनते हैं, एक्टिनॉइड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इनका, हाई रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये बात तो तुम जानते ही हो, सेवन पीरियड के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, बराबर, यस। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, जिस तरीके से आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन पता है कि 4F जो होता है, F जो होता है, F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के चक्कर में क्या होता है बेटा, F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के चक्कर में क्या होता है, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, है ना, साइज ओवरऑल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो इसमें लिखा हुआ है श्रिंक इनवर्ड्स, इनवर्ड्स की तरफ, अंदर की तरफ वो श्रिंक हो जा रहा है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू 5F शेल रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा जिसकी वजह से शेल क्या हो जाएगा, श्रिंक इनवर्ड्स, अंदर की तरफ पतला, अरे साइज छोटा हो जाएगा उसका, और इसी को हमने क्या बोला है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एक्टिनॉइड्स की वो प्लस थ्री होती है, क्या होती है, प्लस थ्री, भैया इसका भी प्लस थ्री, उसका भी प्लस थ्री, हाँ यस, तो इसका भी क्या होता है, प्लस थ्री होता है, और ये बाकी क्या क्या दिखाता है, वो बाकी क्या क्या दिखाता था, प्लस टू और प्लस फोर, ये क्या दिखाता है, प्लस फोर फाइव सिक्स सेवन, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, तो ये हमारा लेंथेनॉइड्स था, ये हमारा एक्टिनॉइड्स था। अब मैं एक बार ना दोनों में डिफरेंस आपको बताऊंगा कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंस है, अगर एग्जाम में कभी कह दे तो, क्लियर है, यस, फटाफट नोट कर लो, मैं पानी पी लूं। तो बेटा हमारे पास ये है लास्ट डिफरेंस है कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। हमने लेंथेनॉइड्स देख लिया, हमने एक्टिनॉइड्स देख लिया, क्या भैया इनका ना एलिमेंट्स वगैरह को याद करना है। देखो यार ऐसा है ना कि तुम्हें सिंबल याद होने चाहिए, सबके सिंबल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए तुम्हें, है ना, तुम्हें सिंबल याद होना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन आ रहा है, हाँ ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और बाकी क्या है ना, इस चैप्टर का ना मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा, अब यार बनाऊंगा तो मैं बोल तो रहा हूँ, पर ना अभी थोड़ा शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि टाइम नहीं हो पा रहा यार, है ना, वरना इस चैप्टर का ना असाइनमेंट बनाऊंगा मैं एक, और उसमें सारे क्वेश्चंस जो आ रखे हैं पुराने सालों में उसका एक असाइनमेंट बनाऊंगा मैं। अब वो कब मिलेगा आप लोगों को, बहुत जल्द मिल सकता है आप लोगों को, है ना, अभी थोड़ा ये नवरात्रि का टाइम है ना, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, बाकी मैं बहुत जल्द आपको इसका एक असाइनमेंट दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पुराने सालों में कैसे सवाल आ रखे हैं, और आप लोग देखोगे कि हर लगभग सवाल आपसे बन जाएगा, है ना, पांच में से चार सवाल आपसे बन जाएंगे, बराबर है ना, यस यस, ठीक है। करना क्या है, अब आपको इसके एग्जांपल्स करने, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, आपको इसके एग्जांपल्स करने हैं, बैक एक्सरसाइज करनी है, इंटेक्स्ट करना है, और देखो कि क्या तुमसे सारे सवाल बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया यार, और सवाल बहुत सिंपल रहेगा। देखो सवाल कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से आता है, डी एंड एफ के अंदर ना, डी और एफ के अंदर जो सवाल नहीं बनता है वो सवाल होता है किसका, K2MnO4 और K2Cr2O7 का, कि उसमें जो रिएक्शंस वाले सवाल है किसमें क्या बन रहा है, इसीलिए मैंने उन रिएक्शंस पे तीन लेक्चर लिए, मतलब बनता कोई मतलब नहीं बनता उन पे तीन लेक्चर लेने का, वो दो में खत्म किया जा सकता था, पर एक तीसरा दिन मैंने एक्स्ट्रा लिया अलग से रिएक्शंस का, K2MnO4 की, है ना, ताकि आपको बेसिक से समझ में आ जाए कि किसमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, बेसिक में क्या बनाना है, एसिडिक में क्या बनाना है, लेस बेसिक न्यूट्रल, है ना, समझ में आ जाए। तो अगर वो आपका पोर्शन स्ट्रांग है ना, तो फिर तो आपका ना इस चैप्टर से नंबर काटना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो, और ऐसे चैप्टर से नंबर नहीं जाने चाहिए, किसी अच्छे चैप्टर से, अच्छे टॉपिक से नंबर जाए तो हम माने भी, अब इससे नहीं जाना चाहिए नंबर यार, जो रट्टाफिकेशन वाला है वहां से नंबर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी एक तेरी एनसीईआरटी का सवाल है, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि, अब बताता हूँ मैं इस सवाल पे आता हूँ, देख अभी, डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस, एक तरफ मैंने लेंथेनॉइड्स लिखा, एक तरफ मैंने एक्टिनॉइड्स लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4F ऑर्बिटल, लेंथेनॉइड्स के अंदर डिफरेंस लिखने के लिए बहुत हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल्ड किए जाते हैं 4F में, इसमें कहाँ पे होते हैं 5F के अंदर, है ना, बस, दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं रिएक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, पर थोड़ा केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव, एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव। अब सवाल वो यहीं से बनाते गए,
कि लेंथेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव और एडेनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव। अब यार ये तो स्टेटमेंट वाला सवाल है, तो आपको याद होना चाहिए यार बच्चा, है ना। अगला कह रहा है दे हैव लेस टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यस यस यस, लेंथेनॉइड जो होते हैं, लेंथेनॉइड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की उनकी लेस टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। भैया ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? देखो ऐसा है ना, अगला चैप्टर का नाम ही हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां मैं बताऊंगा आपको, बराबर है। यस, दे हैव हाई टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यस, इनकी हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की। एक्सेप्ट प्रोमेथियम, ऑल आर रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। प्रोमेथियम एक एलिमेंट है ना लेंथेनॉइड का, इसमें तो सारे क्या है? रेडियो एक्टिव है। यस यस, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस थ्री अलॉन्ग विद प्लस टू प्लस फोर। ये मैंने लिखवा दिया था, ये मैंने दोबारा इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पे एक बात छूट गई थी। क्या तुम्हारे एनसीईआरटी का इंटेक्स का सवाल है, कहता है बताओ लेंथेनॉइड्स के अंदर प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है? अब मैंने यहाँ लिख दिया सीरियम। अब देखो यार, अब ये यार डाटा तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएगा तू यार, बता इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएगा यार तू यार। तो ये डाटा तो तुझे भाई याद ही करना पड़ेगा, बराबर है ना, कि सीरियम प्लस फोर, सीरियम प्लस फोर। मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन लिख दी है भैया इसके अंदर, बराबर ना। तो सीरियम प्लस फोर जो है वो क्या दिखाता है? प्लस फोर दिखाता है लेंथेनॉइड्स के। आपका लास्ट मेरे ख्याल से इंटेक्स का लास्ट एग्जाम्पल है ये। और इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? प्लस थ्री अलॉन्ग विद प्लस फोर फाइव सिक्स सेवन, बराबर है, हाँ है ना। तो ये सारा यहाँ पे हमारा खत्म होता है, एक्टिनॉइड्स खत्म होता है हमारा लेंथेनॉइड। में पानी पी लूँ एक घूंट। यहाँ पे हमारा क्या होता है? लेंथेनॉइड्स खत्म होता है, यहाँ पे हमारा एक्टिनॉइड्स खत्म होता है और डिफरेंस हो गया। इस चैप्टर में हमने कैसे मूव किया था देखो मैं बता दूं हल्का। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना बच्चा, चैप्टर में कुछ ऐसा चला था हमारा। अब एक बार क्या करो बेटा, कॉपी बंद करने से पहले, ये सारा तो नोट कर ही लोगे, कॉपी बंद करने से पहले एक बार स्टार्टिंग से सारे पन्ने पलटा लो, देख लो क्या क्या तुम्हें याद है, क्या क्या तुम्हें याद है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था टेबल के बारे में, बेसिक मैंने आपको पूरी उसके बारे में बताया था, क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था। सेकंड, फिर मैंने आपको डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज बताई थी, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टीज थर्ड मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या क्या होता है। फोर्थ हम लोग आगे बढ़े, फोर्थ हम लोग आगे बढ़े और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज करने के बाद हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज, कितनी भाई, 12, 13, 14, 15 प्रॉपर्टी करी हमने, 14-15 प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद उसमें कितनी प्रॉपर्टीज थी, सवाल इतनी प्रॉपर्टीज से पूछ लेना वो, कि मतलब इतने सवाल बन सकते हैं बच्चा यहाँ से, है ना। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंड्स जिसमें KMnO4 था और K2Cr2O7 था, K2Cr2O7 था, है ना। और लास्ट एट लास्ट हमने क्या किया फिर आज, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये हमने किया है, कोई डाउट यहां तक नहीं। सिंपल चैप्टर था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गए, खत्म हो गया, है ना, है ना। अब क्या है आपका जो हमारा होमवर्क है आज का, आपका होमवर्क है ऑल एग्जाम्पल्स एंड इंटेक्स्ट, सारे एग्जाम्पल कर लो और इंटेक्स्ट कर लो, बराबर है। और जो आपके डाउट हैं वो मेरे को बता देना आप। हालांकि मैं इसका एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें मैं आपको असाइनमेंट अब यार बना रहा हूँ मैं, लेकिन ना यार उसके लिए ना समय चाहिए यार, है ना, समय नहीं है, बराबर है, लेकिन बना दूंगा मैं, है ना, कुछ टाइम के बाद अंदर, 2-3 दिन के अंदर बना दूंगा, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा, बहुत सिंपल बहुत सरल, आराम से अपना एक बार रिवाइज कर लो, स्टार्टिंग से चैप्टर को निकालो और रिवाइज कर लो, क्योंकि आज तक तुमने लिखा ही कोई दिमाग तो लगाया नहीं है, और इसको याद कर लेना अभी अभी के अभी, इसको क्या कर लो, याद कर लो, बराबर है, है ना। अगली क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट कौन सा करेंगे, आइदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे या फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, ठीक है। बाय बच्चा, टेक केयर।